मैडम क्यों बात रही हो? बाजू भी है ना सारी चीजा खराब ना करते कपड़े लग जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, शाद और आबाद रखे। आमीन सुमा आमीन। तो इसी के साथ करते हैं आज की वीडियो शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले सब बहन भाइयों से हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट होती है कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ और आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो मेरी कुछ जो है कि मामा बैठ कर डेली मेरी शिकायतें लगाती हैं अपने पापा के साथ, मम्मा कपड़े सिलाई नहीं कर रही। तो आज ये मैंने काम शाम अभी ख़त्म नहीं किया, तो बच्चे स्कूल वालों ने छोटे बच्चों को छुट्टी भी कर दी है। तकरीबन अभी 10:30 का टाइम है, तो बच्चे मेरे घर आ चुके हैं। तो अभी मैंने इनके साथ एक बार और भी किया है, तो ये मामा बिटिया आके मुझे तंग करना शुरू हो गई है फिर। तो अभी मैंने जल्दी जल्दी काम भी करना है और ये सारे और इन जो वादा इनके साथ किया वो भी पूरा करना है। ये वाला पड़ा है ना, ये सारे कपड़े मैंने निकालने हैं जो मैंने सिलाई करने हैं। तो ये सारे आज अलहदा अलहदा करके पहले मैं शिलिंग करती हूँ। तो मैंने कहा ये भी काम कर लूँ, बाकी कपड़े जेब ला दे। ये तो बाजू है। नहीं पीछे वाले मैंने अपना काम भी कर इसलिए मैंने कहा ये सारे फ्रंट साइड बैक साइड और बाजू अलहदा अलहदा करके डालती हूँ तार पे शीलिंग का। तो इसलिए ये पहले ही मैंने ये काम करके फिर प्रेस करना भी मुझे आसान होता है। बाद में अभी अलहदा करने होते हैं पहले अलहदा कर लेती हूँ। हो जा बस मैनू अपना काम कर लें। हरे पानी टूटी तो पाक पियो ना, ऐसा ढक्कन ना खोलो। अब आप फिर वैसे बांध दे थोड़ी जी बर्फ पाई हुई, पानी ज्यादा भी ठंडा ना हो गर्म भी ना हो। इस तरह सारे कपड़े अलहदा करके मैं शिलिंग करके तार से पानी है। तो फिर बच्चे स्कूलों आए इन्हें कोई चीज देनी है ये कपड़े मैं शीलिंग करने लगी थी। तो अभी भाभी आज क्या की कॉल आई है, कह रहे थे कि सुबह कल भी डॉक्टर के पास
लेके आए थे भाई बास और भाई जुबेद को, तो आज फिर लेके गए। तो भाई क्या सुबह सुबह साथ में अबू हैं भाभी हैं, तो भाई जुबेद का ऑपरेशन का बताया गया है, तो कहते हैं ऑपरेशन के लिए फौरन ऑपरेशन करवाओ, पैंडस भूल गई है सारी जो भी नाड़ वगैरह है वो, तो फौरन ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। अभी फिर भाभी की कॉल आई है कि भाई को लेके जा रहे हैं ऑपरेशन करवाने के लिए, तो भाई दुआ करना। तो एक तो इनके पापा घर नहीं है, तो इस तरह की बातें, पचास का ऑपरेशन आया हुआ है, अब भाई का भी इस तरह काफ़ी इंसान टेंशन में हो जाता है, एक मसला ख़त्म नहीं होता दूसरा हो जाता है, पता नहीं इनकी नज़र लग गई इनकी खुशियों को। और खुदा अल्लाह ताला सब बहन भाइयों को हमेशा खुश रखे अपनी फैमिली के साथ, और छोटे छोटे बच्चे हैं, पहले भाभी का ऑपरेशन हुआ, चलो वो अल्लाह पाक के करम से वो ठीक ठाक हो गई है, अभी भाई का कोई ना कोई डेली मसला बन जाता है, पता नहीं क्या वजह है। तो जब ये इंसान है इधर घर में अकेला होता है, जाने के लिए भी फिर जल्दी घर नहीं निकलता, फिर सोचना पड़ता भी बच्चे भी घर में है कि तो मैं किस तरह जाऊँ या क्या करूँ, जो फिर काफ़ी हो जाता है इस तरह का। बस जी अल्लाह पाक जहाँ रखे रहना चाहिए, अल्लाह सेहत। हाँ जी बेटा, तेरे मामा जुबेर नु हॉस्पिटल लेके जा रहे ऑपरेशन वास्ते, तब ते पूरे हड्डियां टूट गई। हाँ जी चलो जा, तो उधर जाके बैठ कमरे जा खाना खा लो तुम। तो अभी बात करने का कोई मूड नहीं बन रहा, पता नहीं इंसान क्या बात करे या क्या, कोई बात करने का मूड नहीं बन रहा, कोई लफ्ज याद नहीं आ रहे कि इंसान क्या करे। बस भाई जुबेद की याद आ रही है कि कभी कोई मसला, कब का मेडिसिन खा रहा है, कोई ना कोई मसला डेली हो जाता है, पहले मेदे का मसला, उसके बाद आँखों का मसला, उसके बाद फिर पैंडस का, हरनियों का मसला, इतनी ज़्यादा जब बीमारियाँ हों तो इंसान क्या कर सकता है या क्या नहीं। और देखने वाले बहन भाइयों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, क्योंकि ये सारे दुख तकलीफें जो भी हैं अल्लाह ताला देता है, तो अल्लाह ताला शफा भी देगा इंशाल्लाह। तो और भाई जुबेर को और सारी फैमिली को, हम सबको, आप बहन भाइयों की जरूरत है, दुआ की भी अपील करती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ अपने बहन भाइयों से कि मेरे भाई के लिए दुआ करना, कि अल्लाह ताला उसे सेहत दे, लंबी जिंदगी दे, और हर दुख की परेशानी से खुदा महफूज रखे, और बहनों की बहन भाइयों की दुआ की वजह से और अल्लाह ताला शिफा देगा। तो अभी ये मैं कपड़े शिलिंग करने लगी, तो अभी मेरा ये भी नहीं दिल कर रहा शिलिंग करने को, अभी ये भी उठा के काम अंदर रखती हूँ, तो बाकी काम बाद में होंगे, जो भी करना है, बस बच्चों के लिए खाना बनाना है, बाकी उनके कॉल का इंतजार करना है, तो फिर जो भी सूरत हाल होगी अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करेंगे। तो बस ये एक गम ख़त्म नहीं होता दूसरी शुरू हो जाता है, गमों का पहाड़ कोई जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, गमों का पहाड़ कोई टूट रहा है, इंसान क्या कर सकता है। हमारी लाइफ में तो सिर्फ परेशानियाँ रह गई हैं, खुशियाँ तो पता नहीं किधर हैं, खुशियों ने जिस तरह हमसे मुंह मोड़ लिया है। जो भाई आवाज़ है वो भी ठीक नहीं है, भाई जुबेद वो भी नहीं ठीक, कोई ना कोई डेली मसला होता रहता है, मम्मी इतनी टेंशन लेती है, मम्मी का खुद का बीपी इतना हाई हो जाता है, मम्मी इतनी, तो वैसे माँ बाप बूढ़ा नहीं होता, जब औलाद की टेंशन हर रोज़ कोई नई ना नई बन जाए तो फिर माँ बाप वैसे ही टेंशन लेके परेशानी में। रहमान रहीम, आज मैंने बच्चों के साथ वादा किया था कि मैं जब आओगे आपकी कंपनी किसी गुनाह से दूँगी, तो वो वादा किया था, अभी मैं वो वादा पूरा भी करना है, और साथ में आगे भाभी और भाई किया पता चल गया, तो इस वजह से काफ़ी दिल्ली परेशान हो गया। तो बच्चों को तो खाना देना, वो अभी छोटे हैं उनको नहीं पता, ये प्याज मैंने काटे हुए हैं, घी गर्म हो चुका है ये ऐड करती हूँ, और साथ में टमाटर मिर्च अभी काटने वाली है वो काटती हूँ, काट के ऐड करती हूँ, और साथ में जो असल पसंद है बच्चों की वो है अंडे,
ये दो दिन से लिए हैं, बना के नहीं दिए, तो अभी बना के देती हूँ उनको, क्योंकि स्कूल से आए तो उन्होंने खाना है खाना, तो फर्स्ट टाइम टिफिन ले गए थे लेकिन खा के नहीं आए, तो अभी कहते हैं मामा जी हमें रोटी बना के दो, तो वो बना के देने लगी हूँ। तो टमाटर मिर्च भी मैं काटती हूँ, ये टमाटर मिर्च भी काट ली, ये भी ऐड करते थोड़ी काफ़ी, तो अब इनको मिक्स करती हूँ अच्छी तरह, टमाटर मिर्च उतनी देर ये अंडे में किसी बर्तन में, किसी बर्तन में निकाल लेती हूँ, छिलके लगा कर लेती हूँ और अंडों का ज़्यादा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये छिलके मैंने अलहदा कर दिए अंडे, ये अंडे मेरे पास 3 हैं और ये जर्दियाँ मेरे पास 4 हैं, एक अंडे में से 2 निकली हैं, ये वाली दोनों एक अंडे में से, और 2 अंडों में एक एक निकली है, बस ये अल्लाह ताला की कुदरत है, जो कर सके अल्लाह कर सकता है। और मसाले निकाल लेती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो मसाले की भी हमें अच्छी तरह हो चुकी है, तो अभी ऐड करती हूँ इसमें अंडे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कर देती हूँ वरना बच्चों ने कहना हमने अंडे खाने हैं प्याज नहीं, तो भी अच्छी तरह बनाई करती हूँ इनकी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये अंडा प्याज तैयार हो चुका है, अभी मैं बनाती हूँ रोटियाँ, बच्चे का हिसाब से उतनी देर सबक पढ़ लेंगे तलाब कर लेंगे, तो उतने उनके आने से पहले मैं रोटियाँ तैयार कर लेती हूँ।